मध्य प्रदेश ना मुख्यमंत्री मोहन यादव शू कही रहा छे जुओ वीडियो। आज के समय में जिस प्रकार का यह समय चल रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में बहुउद्देशी एक तरह से योजना भी बनाई है और काम भी कर चालू किए हैं, और यही कारण है कि 2014 के बाद भारत कहां 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे था और ये 2023 आते आते भारत 5वें नंबर पे आया है। और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सबने टारगेट तय किए हैं, खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा भूपेन्द्र भाई पटेल को, गुजरात का आपने अपना रिकॉर्ड बताया है और हमारे सभी प्रदेशों को समान रूप से आगे बढ़ने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जब से यशस्वी माननीय मंत्री नड्डा जी बने हैं वो भी लगातार दोनों तरह से, यद्यपि उनके पास हमारे लिए और आनंद है कि उनका हमारा अपना संबंध भी अलग प्रकार का है, लेकिन विभाग के नाते से स्वास्थ्य मंत्रालय भी और इस मंत्रालय में भी समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मध्यप्रदेश को लेकर के मैं कुछ बातें जरूर बताना चाहूंगा। मध्यप्रदेश में आज हमारे अपने बीना में भारत पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल्स की परियोजना 50,000 करोड़ से अधिक की लागत का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया है और इस पे हमने काम चालू किया है। साथ ही साथ गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वृहत पेट्रोकेमिकल्स ये परियोजना एक और मंजूर होने जा रही है। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना भी हमारे अब आखिरी चरण में पहुंची है। पीथमपुर में देश में सबसे पहले सेज को स्थापित करने के लिए जहां 40 से ज्यादा फार्मा इकाइयां अपना काम कर रही है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्यप्रदेश में 275 फार्मा यूनिट स्थापित है। प्रदेश में 160 से अधिक देशों को दवाएं निर्यात हो रही है। दवा निर्यात करने में मध्यप्रदेश का स्थान चौथा है। फार्मा एक्सपोर्ट में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। 2023-24 में 11,890 करोड़ की फार्मा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए हैं। देश की टॉप फार्मा कंपनी में से 6 की यूनिट मध्यप्रदेश में स्थापित है। प्रदेश में फार्मेसी और मेडिकल कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 250 फार्मेसी और 35 मेडिकल कॉलेज अपना काम कर रहे हैं। केमिकल पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए प्रदेश में अधोसंरचना तैयार है। रायसेन के जिले तामोट, ग्वालियर में बिलोवा में प्लास्टिक पार्क, रतलाम में वृहत फार्मा बायोटेक केमिकल जोन का विकास हो रहा है। झाबुआ के मेघनगर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर केमिकल उद्योग के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, धार के पास बदनावर में पीएम मित्र पार्क, भोपाल ग्वालियर में केंद्रीय पेट्रोलियम रसायन अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान सीपेट की शाखाएं स्थापित हमने की है। एक के बाद एक लगातार जिस प्रकार से हमारे अपनी सरकार ने भी काम हाथ में लिए हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के दौर में आज जब माननीय नड्डा जी ने जब से मंत्रालय संभाला है हमारे लिए और एक अलग संभावना का दौर बना है। ऐसे में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो मैं अपने प्रदेश को उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमने अपने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव भी प्रारंभ की है। अभी तक हमारे